नमस्ते किसान साथियों, किसान साथियों और राज पटेल पाटीदार किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं यह सोयाबीन में दवाई छिटने का जुगाड़ जो कि मैंने अपने स्वयं ने अपने खेत के लिए बनाया है सोयाबीन में दवाई छिटने के लिए। और दोस्तों, यह जुगाड़ मैंने क्या क्या सामग्री लेके बनाया है ये मैं आपको मेरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो में ऐसे ही बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, ये जुगाड़ मैंने बनाया था और मैंने आप मेरे चैनल के माध्यम से इसमें स्प्रे करते हुए एक वीडियो भी बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। और बहुत से किसान भाइयों के कमेंट और कॉल आए थे कि पाटीदार साहब, आप हमें बताइएगा कि क्या क्या सामग्री आपने ली ये जुगाड़ बनाने में, और पूरा जुगाड़ आप हमें बताएँ। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा जुगाड़ बता देता हूं और क्या क्या सामग्री मैंने ली है इस जुगाड़ में, और इस जुगाड़ में कुछ खामी अगर लगी हो तो आप मुझे कॉल या कमेंट करके बताएं कि आप ऐसा कीजिए तो मैं इसको और सुधारूंगा। बाकी दूधी और बोखले के लिए बहुत शानदार ये जुगाड़ है जो कि सोयाबीन को झटका कम देगी। दवाई और पाटले पाटले में दोनों चांस के बीच में, दोनों लाइनों के बीच बीच में ये चलता रहेगा। दो व्यक्ति इसको पकड़ेंगे साइड से, एक इधर से और एक इधर से, ये ऐसा रखेंगे अपन इसको खड़ा। ये देखिए ऐसे खड़ा रखेंगे इसको, ये इस प्रकार और इस प्रकार। एक उधर से पकड़ेगा किसान और एक इधर से, और दोनों पकड़ के बस सीध में एक नोजल मिला लेंगे एक लाइन में, तो सारे नोजल मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये देखिए, आप एक इंगल लिया है और ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां मैंने अपनी सोयाबीन में, सोयाबीन की दूरी 15 इंच पे है तो मैंने 15-15 इंच पे इसको सेट कर दिया है। ये देखिए, 15-15 इंच पे सेट कर दिया है मैंने कंप्लीट। सीडिल में जो पंजिया रहती है उस जगह पे ये सेट किया हुआ है ना, ये जो सिस्टम है ये। और एंगल लिए बराबर 15 इंच पे मैंने सीडिल 15 इंच पे, आपके अगर 14 इंच पे 14 इंच और 16 इंच का हो तो 16 इंच की दूरी पे पत्ती वेल्ड करा दे। ये देखिए, बहुत सस्ता और सुंदर शानदार जुगाड़ है। और ये देखिए इस प्रकार नोजल, ये मैंने नोजल लिए हैं, ये मैंने 4 छेद के ले लिए हैं। आप इसको 3 छेद के करिए क्योंकि ये पानी ज़्यादा देता है, इसके कारण क्या है कि दवा ज़्यादा बिगड़ती है। इसलिए अब मैं अगली बार इसको 3 छेद के करने वाला हूँ, ये 4 छेद के लिए थे मैंने। तो इसमें जो 500 लीटर का है टैंक, वह 4 बीघे में ही खाली हो जाता है, इसलिए मैं अब इसको 3 का कर रहा हूँ, नहीं तो कट नोजल बनाऊँगा, कट नोजल इसमें फिट करूँगा, ये नोजल निकाल के ये। तो इस प्रकार यहाँ पर छेद करा और उसमें ये नोजल का ये सिस्टम आता है जो ट्रैक्टर में दवाई छिटने का आता है ना पीछे, उसमें लगता है वही सिस्टम, ये वाला फिट कर दिया, उसमें ये नली लगा दी टुकड़ों में, ये नलियाँ लगा दी। और उसके बाद यहाँ पे बीच में ये वो जो गन आती है ट्रैक्टर की दवाई छिटने की, वो गन निकाल के और इसमें नली लगा के, और दो व्यक्ति आसपास पकड़ेंगे और एक पीछे से, ये दोनों जो है जुगाड़ के सिस्टम पकड़ेंगे दो व्यक्ति, और एक व्यक्ति पीछे से नली पकड़ के चलेगा। ये देखिए दोस्तों, 4 व्यक्ति आसानी से इसमें दवाई छिड़ सकते हैं। ये देखिए पूरा जुगाड़ इस प्रकार से है। और दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये जुगाड़ कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो, और इसमें कुछ अगर खामी रही हो तो आप हमें ज़रूर बताएं इसको कि इस प्रकार से नहीं, आप इस प्रकार से कीजिएगा तो और आसान रहेगा, वह भी मैं बराबर सीखना चाहूँगा आपसे। किसान साथियों, ये देखिए इस प्रकार से मैंने जुगाड़ करा है, और इसमें कट नोजल लगाने की अब मेरी इच्छा है क्योंकि ये पानी ज़्यादा दे रहा था, इसलिए अब मैं कट नोजल, क्योंकि जो छिटने वाले जो पकड़ने वाले ये जुगाड़ वो इतने स्पीड से चल नहीं पाते, अगर ये पानी कम देगा तो आसानी से धीरे भी चल सकते हैं, जिससे क्या है कि दवाई खेत में कम गिरेगी, ज़्यादा दवाई डालने से भी खेती ख़राब होती है।
अगली गेहूं की फसल में दिक्कत आती है, इसलिए इसको मैं दवाई कम करूंगा ये इसका, और बिल्कुल घास पूरी तरह से गीली हो जाएगी, कड़कट नोजल भी डालेंगे अपन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों को भी पता चल जाए कि ऐसा जुगाड़ बना के अपन एक बार में खरपतवार सोयाबीन में ख़त्म कर सकते हैं। जय जवान, जय किसान।